उन्नाव में हुई गैंगरेप और हत्या की वारदात के बाद बुलंदशहर की बेटी का अपहरण कर गैंगरेप और हत्या के मामले में पुलिस द्वारा सख्ती से पैरवी ना किए जाने और परिवार को आरोपी पक्ष से धमकी मिलने के कारण पीड़िता के परिवार ने बुलंदशहर से पलायन कर दिया है। पीड़ित पक्ष के अनुसार हत्या आरोपी पक्ष से लगातार धमकियां मिल रही थी, ऐसे में बुलंदशहर छोड़ना ही उचित समझा। एसएसपी संतोष कुमार सिंह का कहना है कि उन्हें इस मामले में कोई शिकायत नहीं मिली है, पीड़ित परिवार से संपर्क कर कार्यवाही की जाएगी। उन्नाव की घटना को लेकर महिला सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। जिला बुलंदशहर में भी करीब 2 साल पहले ऐसे ही एक घटना ने माहौल गर्मा दिया था, किंतु वक्त बीतने के साथ साथ पुलिस ने पीड़ित परिवार के दर्द को भुला दिया। पुलिस की अनदेखी का हाल यह रहा कि आरोपियों को धमकियों से दहशत ज्यादा पीड़ित परिवार ने बीते दिनों रातों रात पलायन कर दिया। पीड़ित पिता ने फोन पर बताया कि बेटे की अगवा कर गैंगरेप के बाद हत्या के घटना से पूरा परिवार पहले ही टूट गया था, काम धंधा भी छूट गया और परिवार बर्बाद होता चला गया। घटना के बाद शुरुआती दिनों में पुलिस और अन्य लोगों की तरफ से हर संभव सहयोग का आश्वासन मिला, किंतु वक्त बीतने के साथ साथ सभी ने मुंह फेर लिया। आरोपियों की तरफ से धमकियां मिलने लगी, पुलिस द्वारा सुनवाई ना की गई तो जान से बचाने के लिए बुलंदशहर से पलायन करना ही उचित समझा। 2 जनवरी 2018 की रात करीब 8 बजे नगर के चांदपुर रोड से 17 वर्षीय छात्रा को ट्यूशन से लौटने के दौरान कार सवारों ने अगवा कर लिया था। मामले में अज्ञात युवकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। घटनास्थल के समीप लगे सीसीटीवी फुटेज से ऑल्टो कार से छात्रा का अपहरण किए जाने का पता चला। 4 जनवरी 2018 की सुबह दादरी क्षेत्र में गाँव भोगपुर के नजदीक एक रजवाहे से छात्रा का शव बरामद हुआ। मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उन्हें मौज मस्ती के लिए छात्रा को उसके घर से बाहर से अगवा किया और गैंग रेप के बाद उसकी हत्या कर शव को दादरी क्षेत्र में नहर में फेंक दिया। इस घटना के बाद बुलंदशहर में काफी धरना प्रदर्शन हुए थे। हालांकि वक्त बीतने के साथ साथ पुलिस ने केस की पैरवी भी बंद कर दी। पीड़ित पिता ने बताया कि आरोपियों ने उनकी बेटी के साथ गैंग रेप करने के बाद शव को नहर में फेंक दिया था। ऐसे में गैंग रेप की पुष्टि के बाद स्लाइड बनाकर जांच को भेजी गई थी। करीब 2 साल के बाद भी आगरा से स्लाइड जांच की रिपोर्ट ना आने से लटका हुआ है मामला। पुलिस भी इसमें कोई पैरवी नहीं कर रही है। संतोष कुमार सिंह एसएसपी ने बताया कि इस मामले में पुलिस को कोई शिकायत नहीं मिली है, पीड़ित परिवार से संपर्क कर उन्हें आवश्यक सूचना उपलब्ध करवाई जाएगी, पीड़ित परिवार को हर हाल में न्याय दिलवाया जाएगा। हमें ये धमकी मिल रही थी केस वापस लेने की, क्योंकि उन लोगों को मुआवजा मिला हुआ था, तो इसलिए कि हम पैसे के बल पे या तो आप केस वापस ले लो, नहीं तो पैसे के बल पे हम तुम्हारा कुछ भी कर सकते हैं और केस तो हम अपने फेवर में ले ही लेंगे, इस तरह की हमें धमकी मिल रही थी। क्या घटना हुई थी बेटी के साथ? 2 साल होने जा रहे हैं। ये जी नगर कोतवाली से मोहज 100 मीटर की दूरी पर हमारा मकान है, वहाँ से मकान से 20 मीटर की दूरी से हमारी बेटी को उठा के ले गए थे, जो CCTV कैमरे में आया था, और उसे ले जाके उसके साथ दरिंदगी करी गई और ले जाके वो पानी में फेंक दी गई थी, और ये नोएडा में उसकी बॉडी मिली थी हमें। और पानी में पड़ी रहने की वजह से उसमें जो कुछ पुष्ट जो नहीं हो पाई थी मेडिकल में जांच वगैरह, तो उसकी स्लाइड गई थी यहाँ से। स्लाइड भी हमें पुलिस उपलब्ध नहीं करा पा रही 2 साल से, जिससे हमें लड़की को इंसाफ मिल सके। उस टाइम पे पुलिस ने हमें बड़ी बड़ी बातें करी, हम तुम्हारा सहयोग करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन हमारा कोई शासन प्रशासन हमारी मदद के लिए तैयार नहीं है। इन सब के लिए मैंने पत्र मानव अधिकार आयोग को भी दिया है, मुख्य न्यायाधीश महोदय को भी दिया, मुख्यमंत्री जी को भी, और DM साहब SSP साहब को भी कई बार मैं पत्र वगैरह दे चुका हूँ। इसलिए हमें मजबूरन शहर छोड़ना पड़ा धमकियों की वजह से। तो पुलिस जो बुलंदशहर के पुलिस कप्तान है वो स्पष्ट कह रहे हैं कि धमकी जैसी कोई बात नहीं है और पलायन जैसी भी कोई बात नहीं है। पलायन तो हम 6 महीने पहले कर चुके और ये पत्र भी हम कई बार फैक्स करवा चुके, SSP महोदय को भी कई बार दिया हमने। धमकी किस तरह से मिलती थी, कौन लोग थे जो धमकी देते थे? धमकी उनके जो साथ वाले आते थे वो लोग देते थे, हम तारीख पर जाते थे वो भी बोल देते थे हमें कि तुम्हें बाद में देख लेंगे, केस तो हम केस वापस ले लो या फिर नो, केस तो हम अपने फेवर में ले लेंगे। उस आदमी मारने में कोई 5 मिनट लगते हैं, कोई ऐसा थोड़ी है। तो वहाँ किस तरह की असुरक्षा महसूस हो रही थी? बस कोतवाली के सामने ही घर है आपका। जब कोतवाली में हमारे कोई सुनवाई नहीं हो रही थी तो असुरक्षा ही थी, सिक्योरिटी थी वो वापस ले ली उन्होंने,
फिर हमने सिक्योरिटी मांगी तो वो बोले कि भाई आप पे करना पड़ेगा। शुरू में जब सिक्योरिटी हटी थी तो हमने कई बार हमने बोला तो वो बोले कि तुम्हें इसका आधा पे करना पड़ेगा, तो हमारी इतनी गवर्नमेंट देगी आधा तुम्हें देना पड़ेगा। अब हम गवर्नमेंट को कहाँ से पैसे इतना देंगे? कब तक बुलंदशहर से मार देंगे? अब जहाँ जो जिस स्टेट की हमें सरकार न्याय देगी उस स्टेट में हम इस रहेंगे और क्या करें। जब से किस तरह की आप अपेक्षा रखते हैं, मांग करते हैं और क्या करें? जब से किस तरह की आप अपेक्षा रखते हैं, मांग करते हैं सरकार से? हमें ये है कि स्लाइड की रिपोर्ट आ जाए और इसकी सरकार थोड़ी निगरानी रखे कि न्याय मतलब अच्छा मतलब उससे हो, न्याय सख्ती से पैरवी से हो। जिस तरीके से वो हमें धमकी दे रहे हैं कि हम अपने फेवर में ले लेंगे, ये वो कर लेंगे। जो तीन दरिंदे थे क्या वो भी जेल में छूट गए हैं? नहीं, वो जेल में हैं जी। वो तो जेल में है, वो तो रोटी खा रहे हैं बड़ा आराम से। जाने वालों को तो गया जो नुकसान हो। जुल्फकार, क्या हुआ था? नए साल का जश्न मनाने के लिए आए थे जी? नए साल 2 तारीख को आए थे। हाँ। क्या नाम है? सिकंदराबाद से बुलंदशहर को लड़की को क्या नाम है, हम MMR मॉल से थोड़ी सा हो जाके हमें लड़की दिखाई दी। हमने वो लड़की उठाई, गाड़ी में डाली, खुर्जे साइड को जाके लूटन ले लिया, हम सिकंदराबाद को चले गए। जो हमारे साथ में लड़का था मलानी, मैं गाड़ी चला रहा था और ये आगे बैठा था दिलसाद, क्या नाम है, उसने लड़की कह रही थी भैया मुझे मारना मत, छोड़ दो, मैं किसी से ना कहने की, जो तुम्हें करना कर दो, भैया मुझे मारना मत। उस लड़के ने काम करा, उसको लड़की को वहीं मार दिया और आगे जाके बाईपास पे मतलब कि टूल टैक्स पार करके उससे आगे एक रास्ता जा रहा परिचौक नोएडा को, वहाँ पे क्या नाम है रेलवे फाटक से पहले नाला पड़ा था, वहाँ पे डाला। इतने लंबे रास्ता तुमने तय किया था, कहीं तुम्हें कोई पुलिस का बैरियर मिला हो, कहीं चेकिंग नहीं? कहीं कुछ नहीं मिला था। इससे पहले इस तरह की घटना की है तुमने? जी नहीं, कहीं नहीं की। किसने रेप किया उसके साथ? जी सर, एक ही लड़के ने किया था जो फरार है। इससे पहले आपने रेकी की थी या फिर ऐसे जी ही? सर नहीं, हमने कुछ नहीं करा। नए साल के जश्न में बस निकले थे जी सर। तो कितने घंटे में ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया? मतलब कि 2-3 घंटे में काम फाइनल हो गया। जी सर, शराब नहीं पीती। किस तरीके से डिमांड नहीं है, बस ये है कि लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए, फांसी के बदले में फांसी मिलनी चाहिए, ताकि और लोगों भी इस तरीके का हादसा ना कर सके। उन्हें भी इतना डर बैठा है। सर, बुलंदशहर कोतवाली नगर के चांदपुर इलाके में अब से 3 वर्ष पहले एक नाबालिग युवती के किशोरी के साथ गैंगरेप कर उसकी हत्या की गई थी। अब से उसके परिवार का ये आरोप है कि उसको सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई, इसलिए उसने प्लान कर दिया, शहर छोड़कर जा चुके हैं। सर, क्या मामला है और क्या कुछ जांच में अब तक निकल कर आया है? देखिए, ये 1 जनवरी 2018 को एक बच्ची जो नाबालिग थी गुम हुई थी, बाद में 2 दिन बाद उसका शव मिला था और उस संबंध में 364, 302, 201, 376 DIPC 3/4 पाक्रो एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज हुआ था। और यहाँ आने के बाद अगस्त माह में मुझे इस प्रकरण की जानकारी हुई और इस संबंध में जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि इस मामले में कुल 3 अभियुक्त थे। तीनों अभियुक्त आज की तारीख तक जेल में हैं, जिला कारागार में निरुद्ध हैं। इसके साथ ही उस पीड़िता के माता पिता को 10 लाख रुपये की सहायता मिल चुकी है, शस्त्र लाइसेंस उसे प्रदान किया जा चुका है और हम लोगों ने अगस्त माह में 8 अगस्त को उसको अस्थाई सुरक्षा प्रदान करने के तहत एक कार्य योजना बनाई थी विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम के अंतर्गत, जो जब भी वो यहाँ पर तारीखों पे आती हैं हर बार जो है वादिया को जो उसकी माँ है उसको सुरक्षा प्रदान की जाती रही है। पिछले महीने में 27 तारीख को जिला न्यायाधीश DM साहब और मेरी ओर से एक उसका प्रार्थना पत्र मुझे प्राप्त हुआ था, उसके आधार पर इन तीनों के हस्ताक्षर से सर उसको जो आरोपी पक्ष की तरफ से लगातार धमकियां मिल रही हैं इसलिए सर उसने पलायन किया है, घर छोड़ा है, तो इस विषय में सर क्या कुछ निकल कर आया अब तक? देखिए, धमकी जो है की पुष्टि जो है जांच से अब तक नहीं हो पाई है। अभियुक्त सभी जेल में हैं और हम लोग सतर्क दृष्टि रखे हुए हैं, उनके परिवारीजनों अभियुक्तों के परिवारीजनों पर भी नज़र रखे हैं और धमकी जैसी कोई बात नहीं आई है, लेकिन एहतियातन उसको जो है सुरक्षा प्रदान कर दी गई है और एक अस्थाई गैनर उनको दिए जाने का आदेश पिछले माह में 27 तारीख को ही जारी कर दिया गया है और जो उनसे वार्ता हुई है उसके क्रम में 1-2 दिन में वो खुद आ करके यहाँ पुलिस लाइन से सुरक्षा प्राप्त करके ले जाएंगे अपने साथ। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.
ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।